अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपको भरे हुए टिंडे बनाना सिखा रही हूँ। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। तो आइए अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो नोट डाउन कर लें। पिसा हुआ गर्म मसाला आधा चम्मच, पिसी हुई सुरख मिर्च आधा चम्मच, पिसा हुआ धनिया आधा चम्मच, कुटी हुई सुरख मिर्च आधा चम्मच, हल्दी 1/4 चम्मच, 3-4 टमाटर लेकर इनका पेस्ट बना लें। इसी तरह मैंने दरमियाने साइज़ की 3-4 प्याज लेकर इनको भी ग्राइंड कर लिया है। 3-4 मिर्चें साबुत और 3-4 मिर्चें बारीक बारीक काट लें। नमक हसबे जायका और 1 चम्मच चाट मसाला। टिंडे 1 किलो, इनको छील लें। टिंडों को छील कर हम इसमें कट लगा लेंगे। एहतियात से कट लगाना है इसमें कि ये नीचे से साथ जुड़ा रहे, अलग ना हो। ये देखें, इस तरह से इसमें कट लगा लें। ये पहले जो मैंने आपको मसाले बताए थे वो सब मैंने मिक्स कर लिए हैं एक बड़े बाउल में। अब हम इनको टिंडों में भर लेंगे। सारे टिंडों की फिलिंग करने के बाद एक पैन में तकरीबन 1.5 कप ऑयल डालें। जब ऑयल गर्म हो जाए तो टिंडों को आस्ता से पैन में रख दें। अब इसको ढककर हल्की आंच पर 15 मिनट के लिए रख दें। 15 मिनट बाद खोलकर इनको एहतियात से पलट दें। पलटने के बाद ये जो मसाला बचा हुआ था ये इसके ऊपर डाल दें और इनको ढककर मज़ीद 15 मिनट पकने दें। पंद्रह मिनट बाद खोल कर देखें, टिंडे गल चुके हैं, हमारा सालन तैयार है। एक बात मैं आपको बताना भूल गई थी कि ये जो 3 हरी मिर्चें साबुत मैंने रखी थी जब मैंने मसाला बचा हुआ शामिल किया था तब डाल दी थी। अब हम इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। मज़ेदार टिंडों की सब्ज़ी तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहें।